हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ कुछ अडेनियम की सीड लगाने वाली हूँ, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, दो पॉट मैंने लिए हैं। मेरे पास दो तरह के सीड हैं, लगभग 8-10 सीड मेरे पास ग्राफ्टेड अडेनियम के हैं और थोड़े से सीड। इस बार मेरे पास ना सीड ज़्यादा नहीं कलेक्ट कर पाए, मतलब सीड बने ही नहीं इस बार। पता नहीं, प्लांट में फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा हुई लेकिन सीड पॉट रेडी नहीं हुआ, ना तो किसी ग्राफ्टेड प्लांट में हुआ और ना ही देसी में हुआ। जो उस समय मैंने लगभग दो महीने तीन महीने पहले सीड कुछ कलेक्ट किए थे, एक दो सीड पॉट बने थे, उन्हीं में से कुछ सीड निकाल के रखे थे, तो आज मैं उनको ग्रो करने वाली हूँ। और मेरे पास इस बार फरवरी में ग्रो करने के लिए भी सीड नहीं होंगे क्योंकि बने ही नहीं हैं सीड इस बार। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ मैं पॉटिंग मिक्स क्या क्या लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक पार्ट कोकोपीट है जो अच्छे से धोकर के सुखाया हुआ था मैंने। एक पार्ट ये सैंड है, सैंड मैंने यहाँ पर ली है बारीक वाली। आप चाहे तो बड़े सैंड भी ले सकते हैं, थोड़ी मोटी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन सीड ग्रो करने के लिए और कटिंग वगैरह लगाने के लिए ये बारीक वाली सैंड अच्छी रहती है। तो इसके जो बड़े पार्ट थे वैसे मैंने छान दिए, इसलिए और ज़्यादा बारीक हो गई। देखिए इस तरह से, जो थोड़ा बजरी वाला पार्ट था उसको मैंने छान दिया क्योंकि सीड ग्रो करना था मुझे। यहाँ पर दो पॉट लिए हैं तो इसमें मैं हाइब्रिड वाले लगाऊंगी, छोटे पॉट में, और बड़े वाले में लगभग 15-20 सीड मैं इसमें लगा दूंगी, और 10 सीड लगभग मेरे पास उसके हैं तो इसमें लगा दूंगी। तो देखते हैं, दिसंबर में ग्रो करने वाले, दिसंबर लास्ट आ गया है, आज दिसंबर की 28 तारीख है और हम सीड ग्रो करने वाले हैं, शाम का समय हो गया है। तो ये कोकोपीट है, थोड़ी सी कंपोस्ट लेनी है, तो कंपोस्ट भी लगभग इसमें 10% के लगभग कंपोस्ट मैंने मिला ली। आप चाहे तो थोड़ी और ज़्यादा मिला सकते हैं, मेरे पास इतनी ही बची है तो मैं इतना ही मिला रही हूँ। इन तीनों को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से। तो गमले के नीचे देखिए, इसमें मैंने थोड़ी सी बजरी डाल दी है कवर करने के लिए। इसमें मैंने ठीकरी रखी हुई है, इसमें भी ठीकरी रखी है नीचे, और थोड़े से बजरे के टुकड़े हैं तो इसको भी चलिए इसमें डाल देते हैं। और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूंगी राइस हस्क नीचे रहता है ना, तो जो सीड की ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही हेल्दी से सीड ग्रो होते हैं। तो थोड़ा सा एक पार्ट हमने यहाँ पे राइस हस्क भर दिया तो हमारा पॉटिंग मीडिया भी कम लगेगा और जो सीड की जर्मिनेशन है वो अच्छी होगी। और नीचे से ये बाद में डिकम्पोज होता जाता है तो धीरे धीरे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छा देता है। जो सीड्स होते हैं, मतलब जो छोटे बेबी प्लांट होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छा मिलता है, इसकी वजह से सीड हमारे बहुत हेल्दी ग्रो होते हैं। तो ये मैंने डाल दिया और तो ये देखिए हमारा पॉटिंग मिक्स रेडी हो गया। फंगिसाइड भी आप इसमें ज़रूर मिला लीजिए, मेरे पास फंगिसाइड इस समय अवेलेबल नहीं है। तो बस थोड़ा सा मैं डिब्बे में जो था फंगिसाइड उसमें पानी मिला के रखा है, तो बाद में यही पानी इन सीड्स के ऊपर डाल दूंगी। तो चलिए अब हम लगा देते हैं सीड्स अपने। तो ये देखिए, मैंने इनको फ्रिज में रखा हुआ था, सीड जो थे फंगिसाइड मिला करके इसको मैं सीड, जो फ्रिज का ऊपर वाला पार्ट है, जो कवर वाला पार्ट है, उसके ऊपर वाले साइड में मैंने इनको रखा हुआ था। और थोड़े से ही सीड्स हैं इस बार मेरे पास, तो बस देखते हैं ग्रो करके इनको। तो ये देखिए, देसी के सीड्स हैं और ये ग्राफ्टेड वाले के सीड्स हैं। ग्राफ्टेड वाले के सीड बहुत ही हेल्दी और बड़े बड़े से हैं। एक बार और बने थे लेकिन मेरी गलती की वजह से वो ख़राब हो गए थे, सीज़न भी नहीं था तो मैंने डाल दिए थे ऐसे। अभी भी सीज़न उतना अच्छा नहीं है, सीड ग्रो करने का जो टाइम होता है ना, फरवरी का टाइम सबसे बेस्ट होता है, फरवरी मार्च का टाइम, पर फिर भी मैं ग्रो कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसको हम थोड़ा सपोर्टिंग मीडिया को भर देंगे पहले। आप चाहे तो सीड्स को ओवरनाइट के लिए डुबा कर भी रख सकते हैं पानी में, फंगिसाइड वाले पानी में आप डुबा दीजिए और उसके बाद फिर ग्रो करिए, तब भी अच्छा रहता है। तो ये देखिए इस तरह से भर दिया हमने। और आज हमारे यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, मैंने यहाँ पॉलीथीन कवर की है, इतना ज़्यादा उड़ रही है, इतना हल्ला शोर हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से, आप इसको चाहे तो पहले से पानी थोड़ा सा दे लीजिए, इसमें एक बार पानी डाल दीजिए। तो ये देखिए इतने सीड हैं मेरे पास, तो मैं इन्हीं को ग्रो करने वाली हूँ। तो चलिए एक एक सीड पहले रख देते हैं। तो पहले मैं ये बड़े वाले रख देती हूँ, ग्राफ्टेड वाले, और एक ही सीड पॉट बना था जिसमें से इतने सीड मैं कलेक्ट कर पाई हूँ। और देखते हैं इनका जो जर्मिनेशन रेट है कैसा होगा। तो आई होप ये अच्छे से ग्रो हो जाए, नहीं तो मेरे इतने सीड भी ख़राब हो जाएंगे जो बने हुए हैं। और थोड़ा दूरी दूरी पर लगाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए एक साथ चिपक गए हैं सारे। इनको हम थोड़ा दूर दूर ही लगाएंगे ताकि अच्छे से ग्रो हों और अच्छी इनमें फिर जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो और साथ में हेल्दी रहें सीड।
तो ये देखिए लगा दिए और बस इतने ही सीड थे ये मेरे पास, तो इसको हम कवर कर देते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारा पोटिंग विंडिया थोड़ी सी कोको पिटिस में ज़्यादा है और इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए थोड़ा आप उंगली की हेल्प से थोड़ा इनको और नीचे ऐसे कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं ताकि मिट्टी में अच्छे से टच हो जाए। ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद आप ऊपर से कवर कर दीजिए। ये देखिए तो बस इतने ही सीड हमने डाल दिए इसके। अब चल ये इनको भी हम डाल देते जल्दी से। आप सिर्फ कोकोपीट में भी डाल सकते हैं, लेकिन कोकोपीट और सैंड दोनों मिलाने से ना इसका जो कोटिंग मीडिया है काफ़ी अच्छा होता है और सीड जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे सीड डाल दिए और यहाँ पे चार सीड बचे हैं, तो इनको भी सोच रही हूँ कहीं पर डाल दूँ इसी में। अब अलग से क्या इसके लिए रखूँगी तो कहीं पर लगा दूँगी, देखती हूँ, नहीं तो किसी दूसरे में डाल दूँगी फिर, या तो रख दूँगी बाद में लगा दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से अब इसको कवर कर देना है थोड़ी सी कोकोपीट से। बहुत ज़्यादा मोटी परत नहीं बिछाएं इसमें, आप हल्की सी परत बिछाएं ताकि सीड जर्मिनेट होने में कोई दिक्कत ना हो। और अभी हम ग्रो कर फरवरी में तो हम कैसे भी ग्रो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अभी हम ग्रो कर रहे हैं दिसंबर के मंथ में और आने वाला मतलब जनवरी अब आने ही वाला है। तो आज दिसंबर की 28 तारीख है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक पॉली हाउस का थोड़ा सा देना पड़ेगा, पॉली हाउस जैसा। तो इसको हम पॉलीथीन से ऊपर से पूरा कवर कर देंगे पानी देने के बाद। तो चलिए एक बार हम इसको पानी दे देते हैं अच्छे से। तो आप स्प्रेयर की हेल्प से भी दे सकते हैं, मैं यही फंगीसाइड वाला पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर से इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा हाथ से डालूँगी तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से नीचे की मिट्टी मैंने पहले ही गीली कर ली थी, पॉटिंग मीडिया जो भी था। और देखिए पानी डालने के बाद जो भी सीड्स ओपन हो रहे हैं ना उनको फिर से कवर कर देना है थोड़ा सा कोकोपीट को मिक्स करके डाल के। तो ये देखिए इस तरह से एक बार हम पूरा इसको गीला कर देंगे ताकि जो हमारे सीड्स हैं वो भी पूरे गीले हो जाएं और फूल करके जल्दी से जर्मिनेट हो जाएं। और इसको रखना कहाँ पर ये भी बता देती हूँ आपको। तो रखना है इसको आपको फुल सनलाइट में, फुल दिन भर की फुल सनलाइट में आप रखिएगा और रात को इसको आप अंदर उठा कर रखिएगा कहीं कवर्ड एरिया में, जहाँ पर कि ऊपर बाहर की जो ठंड है वो ना लगे इसमें, नहीं तो ज़्यादा ठंड की वजह से सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ये देखिए कुछ सीड्स हमारे ओपन हो गए हैं, तो उनको हम फिर से कवर कर देते हैं इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से कर दिए। तो ये देखिए दोनों हमारे पॉट रेडी हो गए हैं, ये पॉलीथीन में लेकर आई हूँ आप इस तरह से। तो ये देखिए इसको पॉट को हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, सॉरी बन नहीं रहा है, मुझे लगता है छोटी है, थोड़ा और बड़ा आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे पॉली हाउस वाला लुक मिलेगा, तो ये सीड भी जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे और जिसका मॉइस्चर है ना वो भी बना रहेगा, आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से पॉट को उठा करके और फिर आपको जो सनलाइट वाला एरिया है वहाँ पर रखना है। तो आज तो शाम हो गई है, आज तो नहीं कर पाऊँगी, कल से मैं इनको सुबह से ही धूप में रख दूँगी तो जल्दी से जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे और बस इसी तरह से ये लगभग एक हफ्ते में ग्रो हो जाएंगे प्लांट। तो ये देखिए दोनों पॉट हमारे रेडी हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको अडेनियम की अपडेट दिखा रही हूँ जो कि मैंने 28 दिसंबर को डाले थे सीड, और ग्रोथ तो इसकी बहुत अच्छी हुई है। देखिए बहुत अच्छे से सीड जर्मिनेट हुए हैं, ये जो है मेरे हाइब्रिड वाले सीड हैं, ग्राफ्टेड सीड हैं और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हुए हैं। अभी भी एक दो सीड बचे हुए हैं जो ग्रो हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर एक सीड अभी और ग्रो हो रहा है, एक यहाँ पे छोटा सा ग्रो हुआ है। तो ये सारे ही सीड निकला है, एक आध बचे होंगे शायद, अगर बचे होंगे नहीं तो इसमें 24-25 सीड मैंने डाले थे, सारे ग्रो हो गए हैं। जो देसी वाले थे उनका जर्मिनेशन रेट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं निकल करके आया, शायद सीड उतने अच्छे नहीं रहे होंगे क्योंकि सीड की क्वालिटी थोड़ी सी कम अच्छी थी, छोटे छोटे से सीड पॉट बने थे। तो वो भी है रीज़न, ये हो गया कि जैसे मैंने सीड डाले तो टेम्परेचर एकदम से कम हो गया, मतलब बिल्कुल शीतलहर आ गई, बिल्कुल कोहरा ठंड सब पड़ने लगा अचानक से। और नहीं तो पहले मौसम अच्छा था जब मैंने डाले थे सीड, और दूसरे दिन से ही तीसरे दिन से ही इतनी ज़्यादा ठंडक बढ़ गई कि शायद उसकी वजह से भी मतलब सीड उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाए। तो फिर भी लगभग 80% रिजल्ट मिल गया, इसमें तो 100% मिला है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा कम अच्छा मिला है। इसमें देखिए धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे सीड हैं जो जर्मिनेट हो रहे हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई, उस वजह से थोड़ा सा इनको
दिक्कत हो गई। इसके भी लगभग 80% सीड ग्रो हो गए हैं, 20% अभी भी बचे हुए हैं जो कि ग्रो होने बाकी हैं। कुछ इसका तो बहुत अच्छा है जो ग्राफ्टेड वाले के सीड थे, और देखिए कितने हेल्दी सीड ग्रो हुए। ये काफ़ी अच्छे सीड थे, हेल्दी मतलब मोटे मोटे से सीड थे, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए। इतनी ठंड इनको भी लगी है, इतनी ठंड इनको भी लगी, लेकिन इनकी जो क्वालिटी उतनी अच्छी ग्रो नहीं हुई है। तो धीरे धीरे निकल रहे हैं और अच्छे से हो जाएंगे। इस बार मेरे पास सीड भी नहीं है ज़्यादा, सारे सीड लगभग इस बार सीड पॉट बने ही नहीं। ये तो पहले की सीड है जो मैंने उसी टाइम रेनी सीजन में कुछ सीड कलेक्ट किए थे, वही सीड है। बाकी इस बार सीड पॉट बिल्कुल भी नहीं जनरेट हुए मेरे गार्डन में, पता नहीं क्या रीज़न हुआ। बटरफ्लाइज इस साल मेरे गार्डन में ज़्यादा नहीं आई, बटरफ्लाइज की वजह से ही मेरे गार्डन में सीड बनते थे। तो ये थी लगभग 10-12 दिन की अपडेट है। वैसे तो ये 4-5 दिन में ही सीड ग्रो हो गए थे, लेकिन अब थोड़ा अब ज़्यादा अच्छे से दिखने लगे हैं, तो मैंने आपको सोचा कि अब अपडेट दिखा देती हूँ। फिर भी अभी आप बिल्कुल भी ग्रो मत कीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, एक्सपेरिमेंट में करती रहती हूँ, सीड रखे हुए थे, मन किया तो मैंने ग्रो कर दिया, पर अभी आप बिल्कुल भी मत ग्रो करिएगा। आप लगभग 10-12-15 फरवरी तक में ही ग्रो करिएगा, उससे पहले ग्रो मत करिएगा। फरवरी से लेकर मार्च तक आप फिर ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। मतलब कि 10 फरवरी के बाद ही सीड ग्रो करिएगा तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं यही आपको राय दूंगी कि अभी बिल्कुल भी मत ग्रो करिए, क्योंकि अभी भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी कोहरा वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पहले से थोड़ा एक दो दिन के मतलब आज थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है ठंड। तो अभी बिल्कुल भी अगर आपके पास सीड हैं तो उनको वेस्ट मत कीजिएगा, ख़राब हो सकते हैं सीड, क्योंकि ज़्यादा ठंड में सीड की जर्मिनेशन उतनी अच्छी नहीं होती है। सीड जर्मिनेट भी हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं भी नहीं ग्रो करूँगी इतनी ठंड में। लेकिन दिसंबर में मेरे यहाँ उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, या अचानक से जैसे ही शीतलहर जो चालू हुई उसी समय से ठंड ज़्यादा हो गई। फिर तो आपको रिजल्ट दिखा दिया मैंने, रिजल्ट मिला है, लेकिन कुछ में अच्छा मिला। फिर वो सीड पे भी डिपेंड करता है कि सीड आपके कैसे हैं, अच्छे हेल्दी और मेच्योर न्यू सीड्स होते हैं ना तो जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, थोड़े पुराने हो जाते हैं सीड तो जल्दी से इनकी जर्मिनेशन नहीं होती है। पर फिर भी मतलब पर सीड ग्रो हो गए हैं, अगर ये इतने अच्छे से चल जाएंगे तो ठीक है। वैसे मेरे जो ग्राफ्टेड हैं वो अच्छे से ग्रो हो गए, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।